मैं ये आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि प्रशासन की अभी बात ही नहीं, अभी शासन नहीं मान रहा। प्रशासन सारी बात से एग्री है, प्रशासन उस डिक्री को भी मांगने को तैयार है जो 2016 में गणेश और तोगाराम परिवार के और इसी लैंड के जो तीन जो प्लॉट्स थे जिसको लेकर के विवाद था, उसने पूरी तरह इनके पक्ष में फैसला कर दिया गया। और उस फैसले को कलेक्टर भी एग्री है मांगने के लिए। जहां आपराधिक प्रकरण की बात है तो एसपी साहब भी इस बात को से सहमत है कि यहाँ अपराध हुआ और कोई पहले गलती भी उसको भी हमारे से कैसे सुधारा जाए, उसको भी हम सुधारेंगे। लेकिन बात अभी राजनीतिक जो नेता है इस शासन के, उन नेताओं को न जाने कोई घर की जमीन है या क्या है, वो देने में दिक्कत आ रही है। और ऐसी स्थिति में हम लोगों की जो दूसरी मांगे हैं कि भाई मुलजिम गिरफ्तार होने चाहिए, पूरे वाले मामले को रीओपन करके और जो जिस अधिकारी ने इसमें एफआईआर दी है उसके खिलाफ सेक्शन 4 में कार्रवाई होकर के उनको भी जेल में जाना चाहिए और उसको यहाँ से हटाना भी चाहिए और उसके खिलाफ में गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। और जो ये जिस लोगों को नामजद किया है, जो वर्तमान में जो एफआईआर दर्ज की है उसके नामजद मुलजिम है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए जो उसने सुसाइड नोट में किया है। और जो हमारे तीन प्लॉट है जिसका फैसला है वो नगर पालिका के लिए 2 मिनट का काम है, वो नगर पालिका ही अभी जो हाईकोर्ट गई है जिसको कोई स्टेट नहीं मिला है, उसकी रिट एडमिट नहीं भी है। ऐसी स्थिति में 2 मिनट में उसका हवाला दे करके फैसले का जारी पट्टों का अनुज्ञा पत्र खारिज कर दे। अगर उन लोगों का कोई हक बनता है तो नगर पालिका ने उनके साथ धोखाधड़ी की है, नगर पालिका ने तोगाराम और गणेश के परिवार को माधुसिंह वगैरह उनसे लड़ाया है, नहीं तो उनकी दुश्मनी नहीं थी। ऐसी स्थिति में सारा का सारा जो व्यू रचना या जो ये सारी स्थिति पैदा हुई मौत तक की, इसके लिए नगर पालिका और तत्कालीन चेयरमैन उसके लिए जिम्मेदार है। तो अब तक जो बात कर रही है, आपका कहना ये है कि प्रशासन कुछ मांगों को लेकर सहमत हो, क्या उसके कुछ कदम उठाए गए या नहीं? कदम क्या उठाए, जो महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर के जान दी है, जिस अधिकारी की बात आती है उसके खिलाफ एफआईआर लॉज होने की या वो उसको रीओपन की और जो कुछ टेक्निकली चीजें हैं, लेकिन जिसके लिए जर और जोर और जमीन के लिए आदमी मरता है, तो जिस आदमी ने एक तो व्यवस्था से तंग आया हुआ और दूसरा न्याय का जो यहाँ पर जो पालना नहीं होनी हुई उस कोर्ट के फैसले की, इससे तंग आकर के उसने आत्महत्या की है, तो न्याय की पालना नहीं की वो नगर पालिका ने की। और जो अन्याय का जो काम किया, जो प्लेटों को अपनी स्वयं की, अरे कोई आदमी होगा तो उसका मान बाप होगा, चाहे किसी भी प्रकार से हो, बाप के बगैर बेटा नहीं हो सकता, माँ के बगैर बेटा नहीं हो सकता, तो खसरे नंबर के बगैर जमीन कैसे हुई जिसकी नीलामी कर रही है। और खसरा नंबर 6/1182 वो खसरा नंबर इस तोगाराम जी के परिवार का और नियमित है और कलेक्टर द्वारा उसको जारी किया हुआ पट्टा है वैधानिक तरीके से। तो उधर में सबसे बड़ी बात ये कि अब किस मांग पे आप लोग खड़े हो, जो बात हम तो इन तीनों कि जो पूर्व में जांच में सीआर नंबर 80 में जिसने एफआईआर दी उस अधिकारी के खिलाफ सेक्शन 4 की कार्रवाई हो, वर्तमान में जो सुसाइड नोट में नामजद मुलजिम है उनकी गिरफ्तारी हो, और जो नगर पालिका ने जिस प्रकार से तत्कालीन चेयरमैन और वर्तमान जो ईओ से लेकर और जिस नगर पालिका ने जो कोर्ट के फैसले की पालना नहीं की उसके खिलाफ भी परिवाद दर्ज किया जाए, और इनकी जो जमीन है वो जमीन इसको बिल्कुल तत्काल हो, अनुज्ञा पत्र गैर कानूनी तरीके से कोर्ट ने भी खारिज कर दिए हैं, और उनको खारिज करके इनको तत्काल काबिज करें उसके खिलाफ, और 2 करोड़ का मुआवजा दे। व्यवसायी है जिसकी 3 बच्चियां लावारिस हो गई है, इस परिवार को 2 करोड़ का मुआवजा दें।